72वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जश्न आजादी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल पर रोक के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 29 लोगों की मौत। अगस्त महीने के दौरान शिमला में बारिश ने 117 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जिलों में स्कूल बंद। केरल में बारिश और बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं। डीएम के कार्यकारिणी की बैठक में आज एम करुणानिधि के निधन पर पारित होगा शोक प्रस्ताव। करुणानिधि की मौत के बाद परिवार में सत्ता संघर्ष के संकेत। अलागिरी ने कहा, असली काडर मेरे साथ। अफगानिस्तान के गजनी में तालिबान और सुरक्षा बलों के बीच घमासान। 4 दिन में 100 सुरक्षा कर्मियों और 20 नागरिकों की मौत। गजनी पर कब्जे के इरादे से बीते शुक्रवार को शुरू किया था हमला। और तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले 11% और लुढ़की। राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन ने अमेरिका के नए व्यापार शुल्कों को बताया जिम्मेदार। अमेरिका ने तुर्की की अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को ठहराया दोषी।